ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सुनिए भाई साहब ध्यान से। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। देखो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर नहीं है तो अब अच्छे जाइए, क्योंकि एक और वीडियो आ चुका है बैकएंड वेब डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है भैया, तो पहले आपका सबका स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल वर्तमान कोड अकेडमी में। ऑफकोर्स यार, इसका चैनल का नाम पहले वर्तमान कोडिंग स्कूल था, बट ड्यू टू सम रीजन बदल दिया गया है। कभी जब लाइव सेशन वगैरह जब हम करेंगे तब हम बात करेंगे बेसिकली कि ये क्या होता है, मतलब हम लोगों ने इसका नाम वगैरह क्यों चेंज किया। और ये देखिए हमारी खूबसूरत सी जो टी शर्ट है ना, वो प्रिंट हो चुकी है हमारे वर्तमान कोड अकेडमी की। बहुत जल्दी जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे ना, जो भी हमारे बैच परचेस करते हैं, या जो ऑफलाइन स्टूडेंट जो मतलब अभी है तो नहीं ऑफलाइन, बट बहुत जल्दी ऑफलाइन कोचिंग हमारी ओपन होने वाली है, तो उसके अंदर सारे बच्चों को ये टी शर्ट वगैरह मिलेगी। ठीक है भाई साहब, ओके भैया, काफी कूल सी बात लग रही है। ठीक है, कुछ कुछ वीडियो के बीच में गैप आ जाता है, मुझे पता है बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है, बट ये मान चलिए कि अभी वीडियो में गैप नहीं आने वाला, क्योंकि अब जैसे अब इसके बाद तुरंत वीडियो आएगा एनपीएम के ऊपर, और उसके बाद हमारा आएगा पूरा एक्सप्रेस के ऊपर, पूरा का पूरा एक्सप्रेस ऊपर। हम पहला फर्स्ट अपना एक्सप्रेस ऐप मतलब एक वेबसाइट टाइप के एक्सप्रेस से क्रिएट करेंगे, कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड उसके बाद फिर गैप आएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम पहुंच जाएंगे फिर मोहम्मद डीबी के अंदर। ठीक है, तो अब गैप नहीं आने वाला, गैप या बीच बीच में आता ताकि जितने वीडियो पढ़े थे उन सबको आप पढ़ सके और अपने लाइफ में एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सके। हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया था भाई साहब, और लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना फर्स्ट सर्वर क्रिएट किया था। केवल फर्स्ट सर्वर क्रिएट नहीं किया था, वो तो हमने उसके पहले वीडियो में क्रिएट किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी एचटीएमएल फाइल सर्व करना सीख ली थी, और हम लोगों ने सिर्फ सिंगल वाले फाइल सर्व करना सीखी थी, हम लोगों ने रिक्वेस्ट हैंडल करना नहीं सीखी थी। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करेंगे, सेकंड थिंग जो है भाई साहब वो ये है, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भाई साहब कि मल्टीपल एचटीएमएल फाइल कैसे सर्व की जाती है। ठीक है, तो एक मिनी प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और आ जाएगी मजा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूं, यहां पे मैं बनाने वाला हूं एक फाइल, तो उसके पहले मुझे बढ़ा दीजिए जरा ब्राइटनेस, आई नीड सम ब्राइटनेस और वन सेकेंड। ओके ब्राइटनेस फुल, ओके ब्राइटनेस फुल भाई साहब, ब्राइटनेस फुल, माइक गिर चुका है तो माइक को वापस से लगा लेते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फोल्डर हम लोग बना रहे हैं index.js। ठीक है भाई साहब, मैं पहला फोल्डर बना रहा हूँ index.js, और मेरा ये बन चुका है index.js। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे आना पड़ेगा टर्मिनल के अंदर। मैं गया टर्मिनल, इसका मैंने बोला न्यू टर्मिनल, ठीक है ओपन हो चुका है, और मैं बोलूंगा इन सबको कि हट जाओ अभी, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एकदम न्यू टर्मिनल चाहिए, न्यू टर्मिनल आ जाओ। ठीक है, इसके अंदर मैं जाऊंगा गिट बैश के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि गिट बैश से मुझे बहुत प्यार है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा है। यहां पे जाऊंगा, सबसे पहले मुझे बनाना है एक नोड, मतलब एक npm इनिट चलानी पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। इनिशियलाइज करनी पड़ती है एक एम्प्टी फाइल, तो npm इनिट। ठीक है भाई, npm इनिट हो गया, वेरी गुड, हमसे कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा। ये बोल रहा है कि पैकेज का नेम क्या रखेंगे, तो हम बोल देते हैं नोड फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है भाई साहब, हमने ये नाम रख दिया इसका। दूसरा पूछा वर्जन, भूल जाएगी वर्जन वगैरह, डिस्क्रिप्शन, दिस इज फर्स्ट नोड प्रोजेक्ट। ठीक है भाई साहब एंट्री पॉइंट index.js, टेस्ट का मान कुछ नहीं, गिटर बस्ट कुछ नहीं, कीवर्ड कुछ नहीं, ऑथर जी मेरा प्यारा सा नाम गौरव त्रिपाठी। ठीक है भाई साहब, इसके बाद हम लोग बोलेंगे लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं। ओके, हमारी एक एम्प्टी नोड की फाइल, मतलब जिसको हम बोलते हैं package.json की फाइल बन चुकी है, वेरी गुड। अब हम बात करने वाले हैं कि हम HTML फाइल कैसे सर्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले रिक्वेस्ट हैंडल होने के हिसाब से, तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे तीन फाइल बनाता हूँ बस। ठीक है, पहली फाइल बेसिकली ये है, चार फाइल बना लेता हूँ। पहली फाइल ये है कि जैसे ही आप होम पे जाएंगे तो आपको होम दिखने लगेगा, जैसे ही आप अबाउट पे जाएंगे या किसी कॉन्टेक्ट पे जाएंगे तो आपको कॉन्टेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिखने लगेगी, या तीसरी फाइल बना लेते हैं कि जैसे ही आप जाएंगे भाई साहब कहां पे जाए भाई साहब, कहां पे भेज दें, अरे कहीं भेज देते हैं, मान लो कहीं पर भेज दिया तो उसके साथ खुलेगी, और अगर उन चारों में से किसी और पर कुछ होती है क्रिया तो उसको हम बोलेंगे भाई साहब कि एक काम करो, एरर फेंक दो, एरर दे दो, हाँ पक्का दे दो, सच में देनी पड़ेगी, मिल जाएगी, कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूं भाई साहब अपना सर्वर, सबसे पहले मेरा काम है सर्वर क्रिएट करना, तो वो क्रिएट कर लेता हूं, उसके बाद पहुंचते हैं index.html के अंदर। तो सबसे पहले सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या होता है, हम बनाएंगे एक वेरिएबल लेट, और उसके अंदर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे HTTP, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूंगा require, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करो, require करने जाके HTTP ले आओ। ठीक है, मैं इसका बोल रहा हूँ कि एक काम करो HTTP.create server। ठीक है, क्रिएट सर्वर ले लो, ओके। इसके अंदर भाई साहब आपका आता है पूरा का पूरा फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर मैंने फाइल टाइप फंक्शन अभी दे दिया। ठीक है, वेरी गुड, और मैं यहाँ पे गया और मैंने इसके अंदर आपके दो पैरामीटर जाते हैं,
एक आपका जाता है रिक्वेस्ट एंड एक आपका जाता है रिस्पॉन्स। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। इसको मैं पूरे एक वेरिएबल में सेव कराऊंगा। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है, तो इसके पहले आप पिछले दोनों वीडियो देख के आइएगा, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करो, इसको सेव करा लो सर्वर नाम के एक वेरिएबल में। ठीक है, इसके पहले हमको बनाना पड़ेगा एक पोर्ट नाम का वेरिएबल, जो कि आपको पता है जिसके कारण हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो कम्युनिकेशन जिसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टेंट पोर्ट इक्वल टू पोर्ट, आपको दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया 8000। ओके 8000, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे शायद हमारा ये गड़बड़ हो चुकी है एक काम, तो इसको जरा हम कर लेंगे सही। ठीक है भाई साहब, वेरी गुड। अब हम जाएंगे और हम बोलेंगे यहाँ पे कि एक काम करो, जो हमने सर्वर वेरिएबल बनाया था सर्वर डॉट लिसन कर लो। इसके अंदर आपके दो पैरामीटर जाते हैं सर्वर डॉट लिसन के अंदर, पहला जाता है पोर्ट और दूसरा जाता है आपका एक फंक्शन। तो एक फंक्शन जिसको हम लोग कॉल बाय फंक्शन भी बोलते हैं, कॉल बाय फंक्शन, जिसके अंदर आपकी जाती है अगेन एक पैरामीटर का नाम है एरर। ठीक है, और यहां से हम बोल देंगे कि एक काम करो, अगर इसको हम डील करेंगे, ठीक है, यहां पे हम बोलेंगे इफ आपको कोई भी एरर मिलती है तो एक काम कर देना, सीधे सीधे सी बात है कि अगर आप कोई भी एरर मिल रही है तो एक काम कर देना, उसको रिटर्न कर देना। कैसे रिटर्न कर देना, एक काम कर देना, मंगो पहले बता देना कि एरर क्या है, बता देना कि भाई साहब एक तो हमको एरर मिल चुकी है और वो एरर क्या मिली है जरा हमको ये भी बता देना। ठीक है, तो वो भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो एक काम करो एल्स में पहुंच जाना, अगर ऐसा नहीं होता तो सिंपल सा कर देना कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे लिख देना कि सर्वर, यहां पे चले जाना और आप यहां पे जाके लिख देना सिंपल सी बात। वेरी गुड, सही हो चुका। यहां पे आप लिख देना कि सर्वर सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट और पोर्ट नंबर जितना भी आपका है। ठीक है, ये बेसिक चीज था, हम लोग दो वीडियो में समझ चुके हैं, इसलिए बहुत ही इजी था। हम लोगों ने रिस्पांस तो हैंडल करना सीख लिया था, रिक्वेस्ट हमने देखना सीख लिया था कि रिक्वेस्ट कैसे आती है। पिछला वीडियो देख के आएगा, अगर आप देख के नहीं आएंगे मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आने वाला, प्लीज देख के आएगा। प्लीज रिक्वेस्ट मेंशन नॉट, देखा भैया तारक मेहता का उल्टा चश्मा की याद आ गई बहुत लोगों को। ठीक है, देखो तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल। ठीक है भैया, बना दी आपने, बहुत अच्छे इंसान है आप, अच्छा वेरी गुड। एक और चीज बना देते, इसका नाम रख देते हैं इंडेक्स, इंडेक्स नहीं देते, आप लोग देते मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है भाई साहब, एक और बना देते हैं फाइल, इसके अंदर रख देते हैं मान लीजिए वीडियो डॉट एच टी एम एल। ठीक है भाई साहब, एक वीडियो डॉट एच टी एम एल, और एक हम बना देते हैं एरर ई डबल आर ओ आर एरर डॉट एच टी एम एल। ठीक है, हमने तीन फाइलें एच टी एम एल की क्रिएट की। सबसे अलग आएंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, सेम हमारा बॉयल प्लेट कोड लगा दो। ठीक है, वेरी गुड, लग चुकी है। इसमें रख देते हैं यहाँ पे टाइटल में जाके इसका नाम, मान लीजिए रख देता हूं मैं इसका नाम होम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे होम रख दिया। सबके लिए मैं कॉमन करने वाला, तो यहां से कॉपी करूंगा और सबके अंदर जाके सेम बॉयल प्लेट कोड लगानी। तो बस वन सेकंड, सारी कॉपी नहीं हुई, कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल के अंदर सेम चीज, टाइटल चेंज करना, जैसे आप बोलता हूं कि यहां पे भाई साहब अभी कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में है हम। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचे वीडियो में, तो यहां पे जैसे हम जाके बोल देते कि भाई साहब एक काम करो, ये हमारा वीडियो है। ठीक है भाई साहब, ये वीडियो है, और उसके बाद हम पहुंच देते हैं एरर के अंदर, यहां बोलते हैं कि आपका एरर है। क्या है भाई साहब, एरर है। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, बहुत ही प्यारी बात। अब क्या करें, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाएं। ठीक है भैया, क्या करने वाले हैं, अब जाएंगे हम यहाँ पे बनाएंगे बेसिक्स, अपना एक फाइल बना रहे हैं, तो बना देंगे मेन। ठीक है, मेन बनाया, मेन के अंदर हम लोग कुछ नहीं करने वाले, हम एक नैब बनाने वाले। ठीक है, हमने बोल दी कि एक नैब बन जाओ। ठीक है, बन चुका है, और नैब के अंदर हम बहुत सारे मान लीजिए आपको लगा देते हैं एंकर टैग्स। तो मैंने एंकर टैग्स एक लगा दिया इसके अंदर। ठीक है, एक एंकर टैग लग गया, इसके बाद मैं इसके अंदर जाऊंगा दूसरा भी लगा सकता हूँ, लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेरी गुड, पेस्ट कर दो एक और। ठीक है, दो एंकर टैग लगाया। अब आपको पता है कि दो एंकर टैग केवल किसी भी एचटीएमएल फाइल के अंदर नहीं हो सकते हैं, तो भैया हमको और भी लगाने पड़ेंगे। हाँ, तो लगा दो तीसरा चौथा। क्या होता है जब लैपटॉप चेंज होता है ना, थोड़ी सी कीबोर्ड वगैरह चेंज होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बट डोंट वरी, आई विल मैनेज। ठीक है भाई साहब, तो हम लोगों ने बेसिक सा एक नेविगेशन बार इसके अंदर बना दिया। इसको डिजाइन करना है, डिजाइन करना बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा आपके एचटीएमएल वगैरह के ऊपर, क्योंकि आपको ऑलरेडी आती होगी, आप इसको खुद से और कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर जाता हूं
और यहाँ पे बेसिक सब लगा देता हूँ, बॉयलर प्लेट कोड ठीक है, जो सीएसएस का होता है मार्जिन जीरो ठीक है, पैडिंग जीरो ठीक है, एंड मैं बोलता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ HTML कॉमा बॉडी ठीक है भाई साहब, यहाँ पहुंच जाओ विड्थ, विड्थ बोल दो आप एक काम करो 100% ठीक है भाई साहब, हाइट पहुंच जाओ हाइट में बोल दो आप 100% ठीक है। आप यहाँ पे जाओ उसके बाद बोलोगे कि एक काम करो भैया, जो हैशटैग हमारा मेन बनाया था उस मेन में पहुंच जाओ, उसकी भी आप विड्थ कर देना 100% ठीक है भैया हो जाएगी, उसकी जो हाइट है वो भी कर देना आप 100% ठीक है 100% तो वो भी हो जाएगी। उसका मैं बोल रहा हूँ कि BGC कलर बैकग्राउंड कलर दे देना, मान लीजिए भी टैग ठीक है, और आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने सिंपल से दे दिया, अभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा ठीक है, ब्राउजर वगैरह पे हो चुका है आपका बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं चाहता क्या हूं, मैं कुछ नहीं चाहता भाई साहब, मैं क्या चाहूंगा, कभी क्या चाहता है, कभी चाहता है कि प्यार मोहब्बत बनी रहे दुनिया में, कभी ऐसा चाहता है। यहां पे मेरी बात ध्यान सुनो, मैं एक HTML फाइल बना रहा हूं जिसके अंदर बेसिक नेविगेशन बार है ठीक है, मैं इसके सिर्फ डाल देता हूं मान लीजिए स्टार्टिंग में कि ये आपका जब पहला होगा तो यहां पे आपका चलेगा भाई साहब बेसिक सा index.html, यहां पे लिखा रहेगा आपका होम, यानी जैसे कोई आपका होम पे क्लिक करेगा तो आपका index.html चलेगा ठीक है। इसके बाद मैं बोल रहा हूं दूसरा आपका जो होगा वो होगा आपका contact.html ठीक है भाई साहब, दूसरा आपका होगा contact ठीक है भैया बहुत बढ़िया। तीसरा मैंने इसके अंदर जाके बोल दिया कि काम कर दो इसके अंदर ले लेना video.html ठीक है, video.html ठीक है भी चला जाएगा। इसका जो चौथा है हमारा, यहाँ पे हमने मान लीजिए लिख रखा है कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए अपन .slash को लिख देते हैं बस, कुछ भी नहीं लिखते, .slash लिख देते हैं। तो जब .slash लिख देते हैं तो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए मेन या होम लिख दीजिए, एक काम करिए index.html की जगह, हाँ ठीक है अभी तीन बनाइए, हमने तीन बनाया था तीन बनाइए। नेविगेशन बार को हमको स्टाइल करना है तो हम कुछ नहीं यहाँ से बोलेंगे काम करो भाई साहब कि हमारा जो नया है उसको स्टाइल कर दो, और नया को स्टाइल ऐसे कर देना कि उसकी विड्थ जो है वो कर देना 100% सिंपल सी बात है, और उसकी जो हाइट है वो कर देना लगभग 8% के अराउंड ठीक है। उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देना ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स एलाइन आइटम सेंटर्स, एलाइन आइटम सेंटर्स जस्टिफाई कंटेंट बोल दीजिए ऑल्सो सेंटर ठीक है। उसके अलावा बोल दीजिएगा गैप प्रॉपर्टी आपकी जो होती है गैप प्रॉपर्टी वो दे दीजिएगा आप लगभग 8 VW की प्रॉपर्टी ठीक है भाई साहब, और फॉन्ट साइज कर दीजिएगा 1.2 VW ठीक है, फॉन्ट फैमिली आप कर दीजिएगा कुछ भी कर सकते हैं आप, और मुझे एक मिनट करिए मेरा बैच भी है वेरी गुड, टाइम तो बहुत बाकी अभी तो 6 बजे टाइम बाकी 7 बजे बैच है। फॉन्ट फैमिली ठीक है भैया, फॉन्ट फैमिली हो चुकी है हमारी और हमारा ये बन चुका है। सेम चीज हमको सबके अंदर करनी है बिल्कुल, contact.html के अंदर भी सेम चीज करनी है हमने को, तो सेम चीज कर दो भाई साहब, यहाँ आ जाओ नेविगेशन बार के अंदर और ये पूरा इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी किया कॉपी contact.html के अंदर यहाँ पे आ जाओ पेस्ट, view.html के अंदर पेस्ट, error.html के अंदर नहीं, इसके अंदर हमको सेम चीज नहीं चाहिए, इसके अंदर कुछ डिफरेंट चाहिए वो देख लेंगे ठीक है, बाकी हमको सेम चाहिए था। और यहाँ पे जाएंगे हम स्टाइल टैग को भी पूरा कॉपी करेंगे क्योंकि हमको सेम चीज ही चाहिए, तो यहाँ से देखिए मैं काम करता हूँ बंद कर देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ करता हूँ कॉपी, यहाँ करता हूँ मैं पेस्ट ठीक है, पेस्ट हो चुका है, यहाँ पे जाइए अगेन पेस्ट ठीक है, पेस्ट हो चुका है। एरर के अंदर हमको कुछ समथिंग डिफरेंट करना है ठीक है, नेविगेशन बार भी हमारा बन चुका होगा वेरी गुड। और हमको क्या दिखाना है, और मान लीजिए आपको मेन पे दिखाना है, यहाँ पे लिखाना चाहिए आपको एक बना देता हूँ मैं मान लीजिए बॉक्स ठीक है, इसको हम सेंटर पे कर देंगे, यहाँ पे लिखाना चाहिए आपको बेसिकली एक H1 लिखा देते हैं H1 जिसमें लिखा होगा हेलो हेलो वर्तमान ठीक है भाई साहब, हेलो वर्तमान ऐसे लिखा होगा ठीक है वेरी गुड। इसको भी स्टाइल कर लेते हैं फटाफट, तो मैं इसको फटाफट स्टाइल कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे आ जाता हूँ बोल देता हूँ कि एक काम करो हैशटैग जो हमारा बॉक्स है ना उसके काम करो उसकी विड्थ कर देना आप लोग 40% ठीक है, उसकी हाइट भी आप कर देना 40% ठीक है भैया, पोजीशन कर देना उसमें एब्सोल्यूट ठीक है भैया, प्रॉपर्टी होती है टॉप से लगानी पड़ेगी आपको 50% वेरी गुड। इसके बाद आपको लगानी पड़ेगी लेफ्ट से प्रॉपर्टी जो भी आपकी होती है 50%, उसके बाद आपकी आती है ट्रांसफॉर्म ठीक है भैया, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट और यहां से आप लिख देने का -50% कॉमा -50% वेरी गुड हो गया होगा भैया। हाँ फॉन्ट साइज वगैरह आप चाहे तो और उसमें लगा सकते हैं कि ठीक है भैया फॉन्ट साइज वगैरह लगा देना 1.4 VW ठीक है भैया, और आप फॉन्ट फैमिली वगैरह लगा देना फॉन्ट फैमिली लगा देना ठीक है, जो भी आपको करना हो बाकी आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, मैंने बेसिक बेसिक कर दिया ठीक है। सेम चीज क्या वहां पे भी करनी है index.html के अंदर, इसमें इसको बंद कर देते हैं ठीक है। क्या हमको कॉन्टैक्ट के अंदर भी ऐसा करना है, हाँ ऐसे ही करना है भैया लगभग लगभग हमको सेम करना है, तो हम उसके अंदर भी बॉक्स बनाएंगे, हाँ बॉक्स बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे ठीक है भैया, कॉपी कर लेते हैं बनाएंगे, कॉन्टैक्ट के अंदर जाएंगे क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे बिल्कुल,
और इसके अंदर दैट हमने नैव बनाया है, और नैव को हमने शायद डिव नहीं बंद किया है। ओके एक कुछ नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत बात नहीं है, इसको यहां से करेंगे कॉपी एंड 1 लाख यहां पे कर देंगे पेस्ट, ताकि एक मेन गली हो जाए। अब अपने को चाहिए याला पूरा का पूरा, तो इसको अपन पूरा यहां से आएंगे, और अपन ने इसको किया कॉपी, कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल के अंदर आ गए, यहां पे रख कर दिया पेस्ट, वेरी गुड। जाएंगे वीडियो डॉट एचटीएमएल के अंदर, क्या यहां पे भी हमको सेम चीज चाहिए? हाँ भैया चाहिए, तो यहां पे भी अपने को सेम चीज चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, एक काम करो यहां से कर दो इसको पेस्ट। ठीक है, हमको एक स्टडी चाहिए था, यहां इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, और यहां पे लाके कर देंगे पेस्ट, एंड एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है भाई साहब, सब कुछ बढ़िया चल रहा ठीक है। ठीक, आई थिंक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और सब कुछ बढ़िया चलना भी चाहिए। बन चुकी है आपकी फाइल, प्रोजेक्ट आपका लगभग लगभग बन चुका है। ठीक है, अब आप इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, उस पर ज्यादा मैं फोकस नहीं करा, बट मेन जो काम था वो हमने कर लिया है। अब हमको इन सारी फाइल्स को सर्व करना सीखना है, कि हम इन डिफरेंट फाइल को कैसे सर्व कर सकते हैं सर्चिंग के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे क्लिक हो, यहां पर क्लिक हो, यहां पर क्लिक हो, जो भी क्लिक हो, जैसे रिक्वेस्ट जाए, वैसा आपका पर्टिकुलर एलिमेंट वो अप्लाई। अब देखिए, चूंकि मैंने यहाँ पे एंकर टैग लगाया, तो इसको भी आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, आपको सिंपल सी बात पता है, लेकिन वो सब मैं रिजॉल्व नहीं कर रहा। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, और एकदम बेसिक की बातें कर रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल वो चीज बात मत करिएगा कि वो चीज सही होगी या गलत होगी, उसके बारे में मुझे को नहीं पता। मेरे को मेन बात क्या पाती है कि भाई साहब मेरे को उसको सर्व करना सीखना है, डिजाइनिंग वगैरह खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले वीडियो बनाया था कि अगर मैं सर्वर को चलाऊंगा, अगर मैं इसको चलाऊंगा टर्मिनल की हेल्प से, न्यू टर्मिनल में जाऊंगा, ठीक है, न्यू टर्मिनल में गिट बैश के अंदर जाऊंगा, और लेट मी क्लियर ऑल दिस स्टफ, लेट मी क्लियर ऑल दिस स्टफ, ठीक है, एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ द टर्मिनल। ठीक है, अगर मैं चलाऊंगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपकी, अरे सॉरी, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपकी फाइल चल जाएगी। ठीक है, सर्वर इज चलिंग नहीं, जेठालाल की इंग्लिश सुनी ना, वैसी इंग्लिश मेरी भी एकदम, जैसी जेठालाल की इंग्लिश वैसी गौरव त्रिपाठी की इंग्लिश, बहुत ही शानदार इंग्लिश। यहां पे जाएंगे लोकल होस्ट पे अपन चलाएंगे, एक मिनट, लोकल होस्ट पे चला दीजिए। ठीक है भैया, 127, ठीक है भैया, 0.0.0.1:8000, और आपको एरर नहीं देगा, चलता रहेगा, क्योंकि अब तक हमने कोई रिस्पांस नहीं भेजा, इसलिए एरर नहीं देगा वो, यहां चलता रहेगा। ठीक है, मैं यहां पे जाता हूं सबसे पहले, लेकिन अगर मैं देखिए यहां पे एक काम करता हूं, मैं यहां से कोई रिस्पॉन्स भी भेज देता हूं, मान ली मैं लिखता हूं res.end, मैंने पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं सब कुछ। ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और यहां पे मैं बोल रहा हूं सिंपल सी बात कि एक काम कर दीजिए, यहां पे लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दीजिएगा, और वापस से मुझे सर्वर चलाना पड़ेगा, इसके अंदर नोड मॉन इंस्टॉल नहीं है, सो 1 सेकंड, मेरे को जरा भाई साहब बैटरी पुश कर दीजिएगा। ठीक है, तो वापस से आ चुका है हमारा, ताकि बंद नहीं हो, वेरी गुड। इसके अंदर मैंने हेलो वर्ड लिख दिया, सर्वर कैश चुका, अभी तक मैंने नोड वन इंस्टॉल नहीं किया, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। इंडेक्स डॉट जेएस चला चुके हम लोग, और ये क्या बोल दिया इसने, अरे यार ये चल चुका है, ये चल चुका है आपका। ठीक है, पोर्ट में आपका सर्वर चल चुका है, अगर मैं जाऊंगा वापस से, यहाँ पे इसको वापस से रिलोड करूंगा, तो देखिए हेलो वर्ड आपका लिख के आ चुका है, क्या बात है भैया, बहुत सही बात है, रिस्पॉन्स लिख चुका है। अच्छा, मैंने दादा, अगर मैं यहां से कुछ भी भेजूंगा आपको रिक्वेस्ट मिलेगी, यहां रिक्वेस्ट मिलती, यहां पे रिक्वेस्ट हमने सीख चुके हैं, रिक्वेस्ट जब भी आपको हैंडल करनी थी, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और नहीं बता रहा, बस इतना था उसमें कॉन्सेप्ट, कि जैसे ही मान ली मैं वेरिएबल बनाता हूं, लेट यू आर एल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक रिक्वेस्ट जो है, जो कि एक आपकी यूनिफॉर्म होती है, जो कि अब आपका वो आईपी एड्रेस होता है, जो कि आपका डीएनएस रिजॉल्वर जो होता है, वो डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम जो आपका होता है, डीएनएस रिजॉल्वर जो होता है, वो सारे आप पिछले वीडियो देख के आइए, अगर नहीं समझ में आ रहा, तो जिनको देख के उनको समझ में आ रहा हो, कि यहां से मैं ऐसे रिक्वेस्ट लेके आ सकते हैं। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए यू आर एल। ठीक है, मैं यू आर एल कराता हूँ, एंड लेट मी क्रैश दिस सर्वर, स्टॉप दिस सर्वर, एंड अगेन रन दिस सर्वर, ओ नोड इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है भाई साहब, तो क्या हुआ, अरे नोड 1 सेकंड, इंडेक्स डॉट जे एस, सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट। ठीक है, बोल रहा है पोर्ट पे चल रहा है, देखते हैं चल रहा है। ठीक, अगर मैं यहां से कुछ भी रिक्वेस्ट भेजूंगा, जैसे मान लीजिए अभी मैंने स्लैश लगा के भेज दी और मैंने एंटर मारा, तो एरर नहीं आएगी, लेकिन ये देखिए आपके पास एरर आ चुकी, मतलब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट मिल चुकी। अच्छा भैया, कैसे भी नहीं पता चली,
पिछले वीडियो में बता चुका हूं चीज, अगर मैं आपको वापस आपको यहां पे लगाऊंगा लिख दूंगा अबाउट, एरर अभी नहीं देगा आपका। और ये देखिए आपका अब यहाँ पे अबाउट भी दिखा रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम करके देखिएगा, यहाँ पे आपको अबाउट भी दिखा रहा है। दैट मीन्स जो हम वहां से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसको हम यहाँ पे हैंडल कर पा रहे हैं। मतलब अगर हम होम पे भेजेंगे तो वहां से मिलेगी, अबाउट पे भेजेंगे तो वहां से मिलेगी, कॉन्टैक्ट पे भेजेंगे तो वहां से मिलेगी, और अगर इनके अलावा किसी पे हम भेजते हैं तो हमको मिलनी चाहिए एरर। ठीक है भैया, इसका मतलब हमको यहाँ पे एरर पे डील करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली सा हैशटैग मेन, और इसके अंदर जाके मैं हैशटैग मेन बन जाओ यार जल्दी से, प्लीज प्लीज बन जाना, एक डिव बन जाओ। और ये बन नहीं रहा, क्या हो रहा है भाई साहब, बन जाओ, व्हाट हैपेंड, मैं काम गलत कॉपी कर लेता हूँ, डाउ मैं कॉपी कर लेता हूँ भाई साहब, वीडियो डॉट स्टूडियो के अंदर जाओ, ठीक है, पूरा का पूरा उठा के ले आओ, ठीक है, एक बॉक्स बना लो, ये वाला कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, गया एरर के अंदर, पेज कर दिया, और इसका नाम लिखा मैंने यहाँ पे, मैं मेन क्या रखा मैंने, मेन, ठीक है, मेरी जाऊंगा मैं वीडियो डॉट स्टूडियो के अंदर, जो मेरी मेन की कोडिंग थी ना, यहाँ से पूरा स्टाइल टैग उठाऊंगा मैं, पूरा का पूरा स्टाइल टैग कॉपी करना है मेरे को, तो यहाँ से इसको पहले बंद किया, एंड आई कॉपी ऑल फुल स्टाइल टैग, कॉपी किया, एरर डॉक्यूमेंट के अंदर पहुंचे, और यहाँ पे हम यहाँ जाएंगे एंड पेस्ट, पेस्ट हो चुका है भाई साहब, पूरा का पूरा आपका वापस से पेस्ट हो चुका है, ठीक है, तो क्या नहीं पेस्ट हुआ है, नहीं पेस्ट हो चुका है, क्या नहीं पेस्ट होना चाहिए था, पेस्ट हो चुका है आपका, एक्चुअली में क्या नहीं होना चाहिए था आपका, पेस्ट, तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया एरर डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख दूंगा हेलो वर्तमान की जगह की एरर, ठीक है, एरर यहाँ बोल देंगे एरर पेज नॉट फॉर्म, ऐसा मैं बोल दूंगा पेज नॉट फॉर्म, ठीक है भाई साहब, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुमको बनाना था, हाँ तो बना तो दिया फिर, तो क्या कोई प्रॉब्लम थी, नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बन गया, हाँ बन गया, ठीक है, अब हमको उनको डील करना सीखना है, तो डील करने के लिए हम वापस से यहाँ पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, पर कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, बहुत कुछ आप इस वीडियो में सीखने वाले, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो भी रिक्वेस्ट आए उसके हिसाब से डील करो, ठीक है, तो मेरी बेसिकली यहां से मुझे एक रिक्वेस्ट पर्टिकुलर मिलती जा रही है, ठीक है भाई, हाँ हर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट मेरे को मिलती जा रही है, अब मैं क्या करूं, मेरे को रिक्वेस्ट तो पर्टिकुलर मिलती जा रही है, पर मैं इससे करूंगा क्या, इस रिक्वेस्ट से अब आपको करना है कुछ यहां पे खेल, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां से रिक्वेस्ट से कुछ डील कर लिया सिस्टम, ठीक है, मैंने कुछ रिक्वेस्ट जो थी उनको हैंडल कर लिया, बट मैं एवरी अभी तक मैं सबको डील नहीं कर पाया, मतलब रिक्वेस्ट आए और उसको मैं हैंडल करूं, तो मैं यहां पे लगाऊंगा फाइल सिस्टम मॉड्यूल, अगर आपको कोई एचटीएमएल फाइल भेजनी है तो सबसे पहले हमको फाइल सिस्टम मॉड्यूल जरूरत पड़ती है, ठीक है भैया, वो तो हम ले आएंगे पिछले वीडियो में सीख चुके, तो बस ले आओ तो फिर कोई बात नहीं, तो यहां से मैं बोलूंगा कि काम को लेट वेरिएबल बना लो fs, आप फंक्शंस के फॉर्म में कोड लिखना सीखिएगा, ठीक है, मैं आगे चल के आपको फंक्शन के फॉर्म में कोड लिखाया करूंगा, क्योंकि एक बेहतरीन डेवलपर वही होता है जो सारा कोड फंक्शंस के फॉर्म में लिखता है, ठीक है, बट अभी भूल जाइए, सब हम वो एक्सप्रेस वगैरह के अंदर सीखेंगे, मैंने बना दिया, मैं बोल रहा हूं, ठीक है भाई साहब, एक काम करो मुझे रीड करनी इस फाइल को इसके अंदर पहुंच के, तो सबसे पहले मैं काम कर देता हूं res डॉट राइट हेड, राइट हेड लिखा दो, ठीक है, इसके अंदर मेरे को दो पैरामीटर जाते हैं, आपका जाता है आपका स्टेटस कोड, एंड दूसरा आपका जाता है एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आपका जाता है कंटेंट टाइप, कंटेंट, ठीक है भाई साहब, टाइप ले जाओ कंटेंट टाइप, और यहाँ पे जा लेना आप लोग और ले जाना कंटेंट टाइप के अंदर आपकी जाएगी टेक्स्ट या आपकी जाएगी html फाइल, ठीक है भाई साहब, वेरी गुड, हम ले जा चुके हैं भैया, हो गया काम, अब क्या करना है भैया, अब हमको इस URL के हिसाब से डील करना है, क्या डील करना है, आपकी फाइल सर्व कराना है, अच्छा भैया, तो मतलब जो URL में आया मुझे उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या आ रहा, उससे आपसे मैं फाइल भेज दूं, अच्छा मतलब अगर मेरे को URL में इंडेक्स आया तो मुझे होम पे भेज देना है, हाँ, अगर मेरे को कॉन्टेक्ट पे आया तो मुझे कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल पे भेज देना, बिल्कुल, अगर मेरे को वीडियो डॉट एचटीएमएल पे आया, वीडियो पे आया तो वीडियो पे भेज देना है, अच्छा भैया ठीक, ऐसा कुछ हो रहा है, हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, वेरी गुड, क्या ऐसा होगा, हाँ होगा, कैसे, देखिए मैं यहां से क्या बोल रहा हूँ भाई साहब कि देखिए हम वहां से जो भी URL भेजे उसके साथ यहाँ पे डील होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको उस URL वाले पे यहाँ पे मिलेगी, आपको जो भी URL वहां से आएगी यहाँ पे आपको मिलेगी, अच्छा भैया ठीक है, डील करना कैसे, डील करो, देखो इधर कैसे डील करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल सी बात, एक काम करो इसको हटा दो, इसको हटाओ, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो भाई साहब जो भी URL उसके साथ डील करो, तो देखो मैंने यहाँ पे बोला कि एक सबसे पहले एक बना दो एक वेरिएबल लेट, इसको बोलते हैं फाइल और बोलते हैं URL, ठीक है, मैंने फाइल URL हमका एक वेरिएबल बना दिया जिसको हम बार बार अपडेट करते रहेंगे, अभी ये नल है, इसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू नहीं रखी, ठीक है, हमने खाली एक वेरिएबल बना लिया फाइल URL को, मैंने बोला इफ, अच्छा इफ URL इक्वल टू किसके बराबर हो जाती है, स्लैश इसके, अगर स्लैश के बराबर, मतलब होम, होम होता है ना स्लैश का मतलब, होम राउटिंग होती है ना, अगर ये है आपका
अगर आपका ये तो इसके साथ लगा लो, या मैं स्विच केसेस भी लगा सकता हूँ, मैं स्विच भी लगा सकता हूँ, स्विच लगा दो ठीक है भाई साहब, स्विच भी लगा सकते हैं आप, एफएल स्विच भी लगा सकते हैं स्विच से भी। मैंने यहाँ पे बोला कि आपका जो भी आपका यूआरएल आ रहा है, आपका जो भी यहां से यूआरएल उसके हिसाब से स्विच केस बनाओ। क्या बनाओ भाई साहब, कैसे बनाओ? ठीक है, यहां बनाओ कि लिखो आप केस, केस लिखो, केस क्या लिखो कि अगर पहला केस आप ये लिख दो कि अगर आपका स्लैश आता है, क्या आता है स्लैश, तो आप डील कर देना पर्टिकुलर इस चीज को, क्या डील कर देना भैया? तो भैया क्या हम इफ एल्स से नहीं बना सकते? इफ एल्स से बना सकते हो, जिससे तुमको बनाना, आपके पास दोनों ऑप्शन, आप स्विच से बना सकते हो, आप इफ एल्स से बना सकते हो, डिपेंड अपॉन यू कि आप किससे बनाना चाहते हो, आप स्विच से बनाना चाहते हो, आप इफ एल्स से बनाना चाहते हो, जिससे बनाना चाहते हो। मैं स्विच से बनाना चाहता हूँ, स्विच से बन जाएगा भाई साहब, ठीक है बन जाएगा। मैं आपने बोल दिया कि आप एक काम करो, आपके अंदर जो भी रिक्वेस्ट, आप ऐसे बोल सकते हो कि रिक्वेस्ट डॉट मैथड नहीं, रिक्वेस्ट डॉट आपकी जो यू आर एल आ रही है, या आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो ठीक है, डायरेक्ट जो भी आपको देना है ठीक है, आपका जो भी आ रहा है वहां पहुंच जाओ, स्विच केस के अंदर पहुंच जाओ ठीक है भैया, पहुंच गए। इसके अंदर आप लिखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट क्या है आपका कि अगर अगर आपका केस फर्स्ट में भाई साहब ये कि एक काम कर दो, अगर आपका होम आ रहा है, मतलब इसका मतलब डायरेक्ट अगर स्लैश आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहां पर फाइल यू आर एल की वैल्यू कर देनी है। फाइल यू आर एल की वैल्यू क्या कर देनी है आपको, क्या करोगे आप फाइल यू आर एल की वैल्यू क्या कर दोगे आप, यहां चेंज करके क्या कर दोगे भैया? हम भैया कर देंगे स्लैश इंडेक्स डॉट एस टी एम, मतलब हमको होम पेज पे भेज देना ठीक भैया। और इसके बाद कर देना आप ब्रेक, अब ब्रेक आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, आप स्विच केस लिख रहे हो ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हम पहुंचे, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे दूसरे केस के अंदर, हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग बोल वापस से बोला केस से, केस सेकंड ले लो, केस सेकंड के अंदर क्या है कि अगर अगर सर्च करने पर इसकी जगह आपका आता है होम, अगर होम हम सर्च करते हैं, अगर हम क्या सर्च करते हैं होम, तब भी आपको क्या करना है भाई साहब, तब भी आपको एक काम करना है कि आपको जो फाइल यू आर एल ना उसकी वैल्यू कर देनी है इक्वल टू क्या, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ठीक भैया, ओके। और अगर ऐसा नहीं होता और केस क्या होगा, एक केस और बना दो। इसके बाद आपको बेसिकली यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, अगर आपने नहीं लगाया तो वो फिर आपको पता क्या एरर आने वाली, केस सेकंड केस पे ठीक है भाई साहब, केस सेकंड पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपका यू आर एल क्या गलती से भी ऐसा आ रहा है अबाउट, अगर आपका अबाउट आ रहा है तो एक काम करो, इसको यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं, एक काम करता हूँ यहां पे आता हूँ और यहां पे आके मैं इसके साथ पहुंच जाऊंगा, यहां पे पेस्ट कर दूंगा इसको, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की जगह कर देना मेरे को कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, तो मेरे पास बेसिकली यहां पे अबाउट का ऑप्शन ही नहीं है, यहां पे मैं इसको बेसिकली बोल दूंगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अगर आपके सामने ऑप्शन आता है ठीक है भाई साहब। तीसरा केस, एक और केस लिख दीजिए वीडियो वाला ठीक है, एक और केस लिखिए वीडियो वाला, कि अगर एक केस मान लो कि अगर मेरे सामने आता है क्या वीडियो, अगर वीडियोस नहीं केवल वीडियो आता है, वीडियोस नामों को बेस नहीं करता, तो मेरे को यहां से सिंपल सा पहुंच जाना है, यहां पे मेरे को अपडेट कर देना फाइल यूआरएल को वीडियो डॉट एच टी एम एल, क्या कर देना है वीडियो डॉट एच टी एम एल, अच्छा। और इन दोनों के बाद मेरे को यहां से ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो यहां पे भी आके काम करो, लगाओ ब्रेक और यहां पे भी आके लगा दो ब्रेक ठीक है भाई साहब, वेरी गुड। और अगर इसके अलावा के पास कोई भी रिक्वेस्ट जाती है, कोई भी रिक्वेस्ट जाती है, डिफॉल्ट लगा दो, डिफॉल्ट केस लगा दो, और आपके पास यहाँ पे इसके बाद आपकी कोई भी रिक्वेस्ट जाती है, तो आपको कर देना है फाइल यू आर एल की वैल्यू, फाइल यू आर एल की वैल्यू कर देनी है क्या, फाइल यू आर एल की वैल्यू कर देनी है वीडियो नहीं भाई साहब, एरर डॉट एच टी एम एल, क्या कर देनी है आपको एरर डॉट एच टी एम एल ठीक है भैया, ऐसा हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम फाइल सिस्टम से इसको हैंडल कर लेंगे, कैसे भैया? कुछ नहीं, हमने एफ एस मॉडल को वहां से इंपोर्ट कर लिया था ठीक है भैया, एफ एस मॉडल हमारा इंपोर्ट हो चुका है, एफ एस डॉट रीड फाइल आपके पास एक ऑप्शन होता है, सिंघड़ा दिए अभी ठीक है, इसके अंदर आपके जाती है पहले फाइल, पाथ ऑफ द फाइल, तो पाथ ऑफ द फाइल हमको डिसाइड करना है फाइल यू आर एल से, दूसरा हमारा जाता है यूटीएफ इनकोडिंग सिस्टम, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, तीसरा हमारा जाता है एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन, इसके अंदर आपका जाता है एरर, एक एंड जाता है आपका डाटा। अगर आप पिछले वीडियो देख के नहीं आए भाई साहब, तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, इसके अंदर मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत ही ईजी यार, अगर आप नहीं देख के आए तो इसमें मेरी क्या गलती, आपको देख के आना पड़ेगा ना, अगर आप पिछले वीडियो देख के नहीं आए तो इसमें मेरी गलती क्या, नहीं इसमें तो आपकी गलती, इसमें तो भैया हमारी गलती, तो आपकी गलती ही है ना, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसमें आपकी ही गलती है और इसको रिजोल्व भी आपको ही करना पड़ेगा, इसको मैं रिजोल्व नहीं कर सकता, एट द एंड ऑफ द इसको आपको खुद से ही रिजोल्व करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको इसको रिजोल्व कर लीजिएगा, आप वीडियो देख के आ जाइएगा, बस रिजोल्व क्या करना है, वीडियो क्या रहना है ठीक है। मैं बोल दूंगा कि एफ यहाँ पे अगर आपको कोई एरर मिलती है तो सिंपल सी बात है कि उसके एक काम कर देना, यहाँ से रिटर्न कर जाना ठीक है, रिटर्न कर जाना कुछ में अभी एरर वगैरह, या आप चाहें तो प्रिंट वगैरह आ सकते हैं, चलिए प्रिंट करा देते हैं, काम करिएगा, कंसोल कर दीजिएगा कि भाई साहब आपके पास एक एरर आ रही है, एरर रीडिंग फाइल, और यहाँ पे आपको जो भी एरर मिल रही है एरर वो आप दे दीजिएगा, एरर डॉट मैसेज नहीं, एरर दे दीजिए, क्या करिएगा एरर दे दीजिएगा ठीक है भैया, एरर देना है, हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा ठीक। और अगर ऐसा नहीं होता भैया तो क्या करना है,
तो हमको यहाँ पे एल्स कंडीशन में पहुंच जाना है और हमको डाटा भेजना है, पर डाटा हमको भेजना का है रिस्पॉन्स में, यानी res डॉट एंड, आपको पता है लास्ट रिस्पॉन्स हम भेजते हैं यहीं से, यहाँ पास करा देंगे डेटा। इसलिए आप वीडियो देख के ही, पिछला वीडियो देख के ही सब समझा चुका हूँ। ठीक है, काम करते हैं, इसको खत्म करते हैं और वापस से अपनी फाइल रन करते हैं, नोट इंडेक्स डॉट जे एस, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट। ठीक है भाई साहब, पहुंचेंगे अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर और इसको यहाँ से वापस से करेंगे रिलोड। अरे यूट्यूब नहीं ओपन करना मेरे को, यहाँ पे रन करना है 127। ठीक है, ये कॉल है, हेलो वर्तमान। अब इसको मैंने सेंटर वगैरह पे बेसिकली सही से नहीं आया क्योंकि मैं इसको सही से नहीं लगाया, पर वीडियो भी आपका नहीं आया। हेलो वर्तमान किस पे लिखा हुआ था? हेलो वर्तमान इस पे नहीं लिखा हुआ था, कॉन्टैक्ट पे नहीं लिखा हुआ था, इस पे नहीं लिखा हुआ था, हेलो वर्तमान सब पे लिखा हुआ है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर भी लिखा हुआ है। और मेरा बॉक्स जो है सही से उसने ट्रांसफॉर्म चलाई नहीं प्रॉपर्टी, एंड मुझे पता नहीं चल पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट अब आप उसको रिजॉल्व कर लीजिएगा। और आपके पास एंकर टैग में यहाँ पे मैंने वीडियो लिखा ही नहीं तो आपको दिखेगा भी नहीं। अगर मैं वीडियो लिख देता हूँ और इसको वापस से काम करते हैं, क्रैश एंड वापस स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट करना है भाई साहब? एक काम करिए, यहाँ पे लिखिए नोड, ठीक है, इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है भाई, सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट और यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो ये आपका चल रहा है। मेरे समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बार बार, 127, ठीक है, 1000 और ये आ रही, चल चुका है आपका, हेलो वर्तमान कोडिंग स्कूल चल चुका है आपका, हेलो वर्तमान। अगर मैं यहाँ से क्या भेजूँ, केवल केवल ऐसे स्लैश लगा के भेजूंगा तो आपका वर्तमान आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा के भेजता हूँ होम स्लैश होम, होम लिख दो तो आपका होम में ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से मैं अबाउट लगा के भेज देता हूँ, एक मिनट, 127 और यहाँ से मैं लगा देता हूँ अब कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा था, कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट आ जाएगा, सेम बना हुआ था। अब इसके कॉन्टैक्ट को हम यहाँ पे सेंटर पे नहीं किया था तो सेंटर पे नहीं आएगा। ठीक है भाई साहब, और आपका क्या आना चाहिए भैया, और क्या आनी चाहिए आपकी चीजें? यहाँ पे वीडियो वाला एलिमेंट अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, शायद उसको मैंने वहां पे भी नहीं लिखा होगा जब मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो बेसिकली आप उसको रिजॉल्व कर लीजिएगा। और अगर यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट जगह क्या लिख दूँ भाई साहब, वीडियो लिख दूँ, क्या लिख दूँ, वीडियो वीडियो। ठीक है भैया, वीडियो लिख दिया तो वीडियो के अंदर आ चुके हैं। अच्छा मैं काम करता हूँ, वीडियो के अंदर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ हेलो वर्तमान वीडियो। ठीक है, हेलो वर्तमान वीडियो और कॉन्टैक्ट के, हेलो वर्तमान, हेलो वर्तमान और यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है भैया, हेलो वर्तमान कॉन्टैक्ट, वेरी गुड। वापस को एक बार क्रैश करते हैं, क्रैश जाओ भाई साहब। ठीक है, एंड हमको यहाँ से इसको करना है रन, तो रन करने का वापस से तरीका नोड, ठीक है, इंडेक्स डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस एंड रन हो जाओ। ठीक है, आपका रन हो चुका है और वीडियो में चले जाओ, वापस से वीडियो में और आपका वीडियो आ चुका है, हेलो वर्तमान वीडियो, वेरी गुड। भैया सारे केसेस तुम्हारे रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ होम पे जाऊंगा, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि अब ये आ चुका है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अच्छा भैया, मुझे इसको भी अगर हैंडल करना है तो कैसे हैंडल कर देंगे आप? कुछ नहीं, यहाँ पे जहाँ पे हमें केस बनाए थे ना, ये आप एक केस और बनाइए, इसको यहाँ से पूरा ऐसे कॉपी कर लीजिए। देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मैंने केस पूरा ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे मैं आ गया डिफॉल्ट के जस्ट पहले, डिफॉल्ट के पहले मैं आ चुका हूँ और मैं बोल रहा हूँ इसको एक काम करो। ठीक है, आ जाओ, पेस्ट कर दो यहाँ पे। क्या पेस्ट किया भाई साहब? की केस अगर आपका कॉन्टैक्ट है, अरे एक काम करो केस बना लो, केस लिखो यहाँ पे। अगर आपका केस क्या आ रहा भाई साहब, अबाउट, अबाउट नहीं भाई साहब, अगर आपका आ रहा है इंडेक्स, इंडेक्स डॉट एस टी एम एल, अगर हम क्लिक करने पर होम पे, तो आपको यहाँ पर जाना, यहाँ पे आपको कर देनी है फाइल यू आर एल की वैल्यू, फाइल यू आर एल की वैल्यू जो कि आपको कर देनी है इंडेक्स डॉट एस टी एम एल के बराबर, यहाँ पे लगा देना आपको ब्रेक। अब अगर आप ऐसा लगा चुके हैं, कर चुके हैं अगर आप, और यहाँ पे आप वापस इसको एक बार बंद करते हैं, वापस चालू करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है, वेरी गुड, चल चुका है आपका सर्वर। और अगर आप यहाँ पे जाके इसको करेंगे अब वापस से, एक मिनट, एक काम करो, सबसे पहले तो होम पे चला दो, तो होम पे चल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपका चल रहा है, एरर नहीं देगा, अब एरर नहीं देगा, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एरर देने लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? इस तरह हम मल्टीपल एचटीएमएल फाइल को, मल्टीपल एचटीएमएल रिस्पांस को हैंडल कर सकते हैं। बाकी बेसिक जितना भी ये काम है ना, ये सब हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से हम सारी एचटीएमएल फाइल को हैंडल करना और भी बहुत सारे स्टेप, जितना भी अच्छा अच्छा स्टेप है ना, सब हम सीखेंगे हैंडल करना विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस जेएस, जो कि आपका एक फ्रेमवर्क होता है। बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, सेली जेएस वगैरह भी होते हैं, आपके एक्सप्रेस जेएस वगैरह भी होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे जब हम एक्सप्रेस जेएस पढ़ेंगे। बहुत ही जल्द एक्सप्रेस जेएस का वीडियो आने वाला है, लेकिन तब तक के लिए क्या भाई साहब, तब तक के लिए आप ये सोच लो कि तब तक के लिए हम कुछ नहीं करने वाले, हमारा वीडियो हो चुका है कंप्लीट। अच्छा भैया, वीडियो कंप्लीट हो गया, बिल्कुल, हिंदी में हमने काफी कुछ पढ़ लिया, आपने काफी कुछ पढ़ तो लिया,
अब इस प्रोजेक्ट को आप अच्छे से बना सकते हो। मैंने बहुत अच्छा ने इसके अंदर बनाया, अब इसके अंदर आप सीएसएस वगैरह लिख के इसको अच्छे से डेकोरेट करके स्टाइलिंग करके अच्छे से बना लिए और गिटहब पे पोस्ट कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए दोस्तों साथ। और क्या बहुत जल्दी हमारा यूट्यूब का स्टूडियो बनने वाला है और बहुत अच्छा लेवल का कंटेंट होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों साथ। थैंक यू वेरी मच।